ज्योतिष आचार्य जी, कुछ ही दिनों में पितृपक्ष आने वाला है। लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण करने वाले हैं, लेकिन उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में हर महीने में दो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो यह जो आश्विन महीना का कृष्ण पक्ष है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, जैसे ही पूर्णिमा भादो का समाप्त तो होगा, पूर्णिमा समाप्ति के साथ ही पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, और तर्पण जो आप करते हैं पितरों का, निश्चित समय पर उनका करना चाहिए। और ध्यान रहे, तर्पण करते समय हर समय अपना मुख जो है वह दक्षिण की ओर रखें और अंगुली का सहारा न ले तर्पण में। तर्जनी और अंगुष्ठा के मूल भाग से, जिसे हम पितृतीर्थ कहते हैं, पितृतीर्थ से ही जल गिराएं, और जल खाली नहीं होना चाहिए, उसमें तिल अवश्य होना चाहिए, और इसे तर्पण करें 15 दिन तक अपने पितरों का।